आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने वाला हूं आयुर्वेद का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा जिसका नाम चिरचट्टा या अपा मार्ग है अपा मार्ग के नाम से यह बहुत ज्यादा जाना जाता है इसका उपयोग पाइल्स में दांतों से रिलेटेड किसी तरह का प्रॉब्लम हो या बैड स्मेल हो आंखों का प्रॉब्लम हो किसी तरीके का जहर हो जहरीला चीज आपको काट लेता है या सिर में दर्द हो माइग्रेन हो इस तरह के बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है जो हम डेली यूज में ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में उससे रिलेटेड ही आज बात करेंगे जैसे पाइल्स के मरीज को प्रॉब्लम हो या तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो बादी हो या हो इसमें इसके जड़ को बॉईल करना है और बॉईल करके उसको काढ़ा को जो है आप 10 से 15 दिन तक पिलाएंगे खाली पेट तो काफी ज्यादा ही आराम मिलता है दांतों में किसी तरह का प्रॉब्लम हो चाहे वो पायरिया हो या बैड स्मेल का प्रॉब्लम हो उससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप इसके दांत को करिए डेली और पत्ते का कुल्ला करिए पत्ते को गार्गल करना है या पत्ते को चबा कर गोल गोल घुमा सकते हैं और उसको फेंकेंगे उससे भी आराम मिलेगा इसके पत्ते को पानी में बॉईल करके आंखों के ऊपर छींटा मारना है मतलब जब हल्का हो जाए बॉईल करेंगे पानी को नॉर्मल होने देंगे इसके बाद आप छीटा मारेंगे आँखों किसी तरह का समस्या हो उसमें काफ़ी फ़र्क मिलता है माइग्रेन का पेशेंट हो उसके लिए इसके बीज को आप सूंघेंगे तो सिर्फ स्मेल करने से खींचने से नॉस्टल के थ्रू आपके सिर में दर्द में काफ़ी आराम मिलता है या फिर इसके पत्ते का लेप बनाना है और उसको माथे के ऊपर रखना है उससे भी इसमें काफ़ी आराम मिलता है और भी बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह काफ़ी कारगर होता है जैसे किसी तरह का विष से रिलेटेड हो जैसे ततैया हो सांप हो या बिच्छू काट लेता है तो उस कंडीशन में भी चिरचट्टे के पौधे को आप लीजिए जड़ समेत भी ले सकते हैं पत्ते को भी ले सकते हैं उसको घाटना है या लुगदी बनाना है और उसको जहाँ पे काटा गया है उस जगह पे लगाना है आपको लेप बनाना है और दो चम्मच इसके पत्ते का रस भी पिला सकते हैं इससे वहाँ पर सूजन नहीं होगा या किसी तरह का बीज है उसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है